मैं हमने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे पहलू जो अभी तक जिनको मैंने नोटिस नहीं किया था, एक अग्रज होने के नाते उनको आप लोगों ने नोटिस किया, ये मेरे लिए बहुत फख्र की बात है। मैं भी प्रेम के नाते, प्रेम का जब एडमिशन हुआ था एमएससी में, तो तब से निरंतर किसी ना किसी रूप में आना जाना और यहाँ के नाटकों के मंचन को देखना, उनके हॉस्टल में रहना, करते के रहना, जो सुनकर वगैरह सारे लोग हुआ करते थे रिपट्री में, मनोहर भाई जी और सुलेखा सीकरी जी, उत्तरा वड़ावकर जी, ये सारे लोग, और हमारे लिए, मेरे लिए कम से कम नाट्य एनएसडी एक रंगमंच का, रंगमंच नाटक कला का एक, ये समझिए कि मक्का मदीना ही समझता था, और बहुत आना जाना होता था प्रेम की वजह से। अब एक बहुत लंबे अंतराल के बाद मैं आज यहाँ पर हूँ और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि प्रेम के आकस्मिक और असामयिक निधन से हमारे परिवार पर जो कष्ट आया है, जो एक विपत्ति आई है, उसका आकलन करना तो थोड़ा मुश्किल है। लेकिन जब मैं बाहर निकल के देखता हूँ 13 तारीख को अंतिम यात्रा में जो लोग थे निगम बोध घाट पर, मैंने देखा कि वो लोग, उनके अश्रु पूरित नेत्रों से जिस तरह से वो लोग उत्सव यात्रा में जा रहे थे, तो मुझे लगा ये लोग क्यों रो रहे, मेरे से ज्यादा नम उनकी आंखें थी। तो मुझे लगा कि ओ, मैं तो ये समझता था कि ये एक परिवार, मेरे परिवार के हैं, मेरे छोटे भाई हैं और पति पत्नी भाई, इन्हीं का ये परिवार है। लेकिन इसलिए मुझे लगा कि नहीं, इनका तो कुर्बा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा कुर्बा है। और एक दिन मैं उनके दफ्तर के बाद किसी व्यक्ति से, कोई व्यक्ति उनकी तारीफ कर रहे थे, उस बात को उन्होंने मुझसे शेयर किया। जब वो घर आए, कहने लगे भाई साहब जो है, मैं आपको एक गजल की, मैंने गजल लिखी है, नहीं नहीं मैं वो गजल आपको सुनाता हूँ, बहुत कम लोग जानते थे, वो शेरो शायरी के बहुत शौकीन थे और उन्होंने कभी शाया अपनी नज़में शाया नहीं की, न प्रकाशित की कभी, लेकिन वो बहुत उसका आनंद लेते थे। तो किसी उनके एक कुलीग ने, उनके सहकर्मी ने उनकी तारीफ में कहा कि सर आप तो बहुत दरियादिल इंसान हैं। तो वो बात उनके जहन में कहीं ना कहीं थी, तो उन्होंने कहा कि गजल मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने वो वाकया भी मुझे सुनाया कि कैसे वो व्यक्ति मेरी तारीफ कर रहे थे और उन्होंने कहा कि आप तो दरियादिल इंसान हैं, सर आप तो दरियादिल इंसान हैं। तो उसकी जो दो पंक्तियाँ मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, काश ये दिल दरिया होता, काश ये दिल दरिया होता, तब तो कुछ और ही नजरिया होता, काश मेरा दिल दरिया होता, तब तो कुछ और ही नजरिया होता। तो वो हमेशा आगे बढ़ने का और आगे परिष्कार करने का उनके हमेशा लगा रहता था। इसके अलावा भी जब वो घर में आते थे, वहाँ बगीचे में इस तरह के पेड़ लगाने, इस तरह के पौधे लगाने, ये करना है, तरह तरह, कभी खाली नहीं बैठते थे, कभी खाली नहीं बैठते थे। आज मैं, अभी मैंने वो अंतिम यात्रा का आपको, आपके सामने शेयर किया, लेकिन इस दुख की घड़ी में भी आप जैसे कला प्रेमी मित्रों के दिल में जो उन्होंने जगह बनाई है, जो आपका प्यार, जो आपकी इज्जत, जो आपका सम्मान, जो आपसे मिला है, उसको देखकर मैं बड़ा फख्र होता है।